अब इसको भुला बैठते हुए जो नंबर है वो चला।
चाहता है। तो इकरार का कोई उसूल शामिल नहीं है, सिर्फ ये कि इकरार इसका इस लफ्ज की जो असल जुमला है वो ये है कि दाल दो मरतबा आई, चाहे यहाँ पे दाल का जो मतलब वो एक मरतबा आया। फिर देखिए जी, बुजुर्गों की बातों का बुरा देखना बनाना अच्छा है, बुजुर्गों की बातों का बुरा देखना बनाना अच्छा है, बुजुर्गों की का बुरा अच्छा। अब इसमें दो तरह से ये हो सकता है, बदाला बदाला की बजाय जो असल लफ्ज होना चाहिए बदला, बुजुर्गों की बातों का बुरा नहीं बदला रखा गया, बुरा नहीं बदला है कि बदाला की बजाय बदला लिखे जो दुरुस्त तरीकेदार है, जो दुरुस्त लफ्ज है वो बुरा बदला है, बुरा बदला जो है वो दुरुस्त। फिर मैंने बताया था कि जो है वो लफ्ज कुछ मुजक्कर होते हैं कुछ मुअन्नस होते हैं। वो औरत बड़ी लड़ाकी है, वो औरत बड़ी लड़ाकी है। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे तस्कीर तारीफ का मामला आ गया, और तस्कीर तारीफ के साथ ये आ गया कि लफ्ज क्या है, लफ्ज मुजक्कर है या मुअन्नस है। बाल लफ्ज ऐसे होते हैं जो हर सूरत में मुजक्कर ही इस्तेमाल, बाल ऐसे लफ्ज होते हैं जो हर सूरत में मुअन्नस ही इस्तेमाल होते हैं, भले उसका जो पहले आने वाला फाइल है वो मुदक्कर हो या मुअन्नस हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इस जुमले में देखिए, वो औरत बड़ी लड़ाकी है, अब लड़ाकी का जो लफ्ज आ गया है तो हम समझ लेते हैं कि पीछे चूंकि जो फाइल है वो मुअन्नस है, लिहाजा जो फेल है वो भी मुअन्नस ही आएगा। लेकिन असूल तो यही है, मुताबकत के असूलों में ये चीज शामिल है, लेकिन यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि लफ्ज लड़ाकी है ही, लफ्ज लड़ाकी दुरुस्त ही नहीं है, ये सीरे से ये लफ्ज मौजूद ही नहीं है, असल लफ्ज है लड़ाका, वो औरत बड़ी लड़ाका है, वो औरत बड़ी लड़ाका है, भले जो है वो उसकी शुरू में जो फाइल है वो मुजक्कर है, जो फेल है वो भी आगे जो है उसके अकॉर्डिंग आता है, फाइल मुअन्नस है तो मुताबकत का असूल सामने रखते हुए वो आगे उसी को इस्तेमाल करता है, लिहाजा का इस्तेमाल रहता है। यहाँ आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो लफ्ज है वो लड़ाका है, लड़ाकी कोई लफ्ज ही नहीं है। अब यहाँ मैं एक और लफ्ज आपको एक और जुमला बोल देता हूँ, रोटी बाजार से ताजी रोटी लाओ, बाजार से ताजी रोटी लाओ। अब ऊपर से ऊपर जो हमने बात की वो हमने मुताबकत के उसूल की बात की कि अगर जो फाइल है वो मुअद्दस है तो फिर भी मुअद्दस आता है, लेकिन पहले बताया कि ये असूल तो है लेकिन बाज लफ्ज जो है वो मुअद्दस आते ही नहीं, हमेशा इस्तेमाल ही मुजक्कर किए जाते हैं, तो उस सूरत में मुताबकत का असूल नहीं लगता। अब यहाँ पे नीचे क्या आ गया, बाजार से ताजी रोटी लाओ, ताजी, आप इसमें हैरान हो गए कि जुबान बने आम जो है वो लफ्ज हो जाता है, ताजी कोई लफ्ज ही नहीं है, लफ्ज दुरुस्त लफ्ज जो है वो ताजा है, बाजार से ताजा रोटी लाओ, बाजार से ताजा रोटी लाओ, दुरुस्त लफ्ज लफ्ज है ही ताजा, ताजी कोई लफ्ज है ही नहीं, लेकिन क्योंकि हम आम जो है उसको इस्तेमाल करते हैं रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा उस पे उसको करते भी बाल कंफ्यूज हो जाती है, परेशानी हो जाती है कि अच्छा भी ये दुरुस्त लफ्ज ही हम इस्तेमाल करते आए, तो यहाँ समझ लेना चाहिए कि जो दुरुस्त लफ्ज है वो है ही ताज़ा, जो ताज़ी है वो कोई लफ्ज नहीं है। फिर देखिए, मैं आप बाद मुतरादिफात का इस्तेमाल आ जाता है, जब आपको याद हो मैंने एक चीज़ ये बताई थी कि मुतरादिफात का इस्तेमाल भी आ जाता है, अल्लाह पे एक चीज मैंने आपको बताई थी कि मुतरादिफात का इस्तेमाल, अब यहाँ पे मैं बताने लगा हूँ कि मुतरादफात के इस्तेमाल के बाद जुमले, बस मैं आपकी खैरियत देख जरूर चाहता हूँ, मैं आपकी खैरियत देख जरूर चाहता हूँ, अब मैं आपकी खैरियत देख जरूर चाहता हूँ। अब यहाँ पे मुतरादिफात का इस्तेमाल है, एक लफ्ज आ गया मतलू और एक लफ्ज आ गया चाहता, अब
दोनों लफ्जों को देखिए, दोनों का एक ही मतलब है, तो ये जुमला गलत होगा। इस जुमले को दुरुस्त करने के लिए इनमें से एक लफ्ज आएगा, मैं की बजाय ये मैं भी बदल जाएगा लाइन, मुझे आपकी खैरियत नेक मतलूम है, मुझे आपकी खैरियत नेक मतलूम है, मुझे आपकी खैरियत नेक इस तरह से ये जुमला दुरुस्त होगा। दूसरा, मुझे आपकी खैरियत एक मुस्लिम भाई, मैं आपकी खैरियत एक चाहता हूँ, इस तरह से मैं आपकी खैरियत एक चाहता हूँ। तो इस्तेमाल इसी तरह ये बहुत जुमला देखिए, रोशनी डालता हूँ बाहे रमजान का महीना दुरुस्ती रहा। ये बीएमएस में ये सवाल, ये जुमला पूछा गया है,
अब यहाँ पे तस्कीर और तारीख के असूल है। मैंने बताया था कि जो लफ्ज है वो या तो मुजक्कर होगा या मुअन्नस होगा। प्याज का लफ्ज है पंजाबी में उसको मुजक्कर इस्तेमाल किया जाता है। कि ये लफ्ज किस तरह इस्तेमाल होगा, जहां पे मैं नजीर देखो लफ्ज देखो झाग, झाग का लफ्ज मुअद्दस या मुअद्दस है। अब यहां भी क्या चीज आ जाती है कि पंजाबी में उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और उर्दू भी किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, आमतौर पे पंजाबी में इसको मुअद्दस इस्तेमाल किया जाता है, यहां उर्दू में इसको मुअद्दस इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि साबित का झाग बैठ गया, झाग मुजक्कर है। या वजीद एक लफ्ज बोलूं कीचड़, कीचड़ का लफ्ज पंजाबी में देखे तो पंजाबी में जो है ना वो इसको मुजक्कर माना जाता है या मुअद्दस माना जाता है। यहां से लिखना शुरू हुआ, बाजार में बहुत बड़ा कीचड़ था, बाजार में बड़ी कीचड़ था। पंजाबी में चूंकि जो है ना वो चिकन इस्तेमाल होता है, मुजक्कर माना जाता है, हालांकि और वैसे ही जो है ना वो उसको उर्दू में भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो इस चीज को जो है वो समझना चाहिए, और जब आप इस चीज को पढ़ेंगे असूलों को मद्देनजर रखेंगे। देखिए, मैं आपका मशहूर हूँ, मैं आपका मशहूर हूँ, मैं आपका मशहूर, अब मशहूर दुरुस्त नहीं है, मशहूर मैं आपका शुक्रगुजार, मैं आपका शुक्रगुजार, मशहूर जिसका शुक्रिया अदा किया जाए, और शुक्रगुजार शुक्रिया अदा करते वाला। तकरीबात में जो है मशहूर का लफ्ज बहुत कसरत के साथ इस्तेमाल होता है, हाजरीन को मुखातिब किया जाता है, यही कहा जाता है कि मैं आपका मशहूर हूँ, जो कि गलत है। लेकिन बोलने में वो चल जाएगा, बोलने में वो चल जाएगा, इमला के असूलों के मुताबिक वो गलत है। मशहूर मफूल है, ऑब्जेक्ट है, जिसका शुक्रिया अदा किया जाए। जब हम बात कर रहे थे कि मैं आपका मशहूर हूँ, तो मशहूर से मुराद को जो है ना वो होता है जिसका शुक्रिया अदा किया जाए। हम जो है वो बतौर फाइल बात कर रहे हैं, बतौर जो है वो सब्जेक्ट बात कर रहे हैं, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इस चीज को समझना चाहिए, आम बोल चाल में चल जाएगा क्योंकि गलत आम हो चुका है, गलत आवाम हो चुका है, लेकिन जब असूलों की बात की जाएगी तो फिर शुक्रगुजार ही लिखा जा रहा है। तो जुमले देखते हैं फिर जो है वो सिलसिले को खत्म करते हैं। देखिए, गाली देना शुरफा को जेब नहीं देता, गाली देना को देता। अब यहाँ पे गाली देना, यहाँ पे फाइल की बात आ जाती है कि जो लफ्ज है वो कैसा है, जो फाइल फाइल के तौर पे या फेल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है या मस्तर इस्तेमाल हो रहा है, तो वो किस तरह से है। असल में जो गाली देना है वो मस्तर है ही, जो दुरुस्त बस्तर है वो है गाली पकड़ा, शुरफा को सेब नहीं देता। मैंने जैसा कि बताया था कि असूल देखने के लिए हमें जो है वो जाना पड़ेगा कि इमला के क्या असूल है, तस्कीर और तारीख के क्या असूल है, मुतरादफात का क्या इस्तेमाल है। अब जो यहाँ पे बस्तर है वो गाली पकड़ा, गाली देना मस्तर है ही, लिहाजा जो है वो जुमला गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा इन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैंने बताया है कि 200 250 जुमले हैं, वो अगर आप पढ़ लें उनको तवज्जो से आप पढ़ लें, तो ये आपका सवाल है बड़ी आसानी से हो जाता है। और DMS में इसके 10 नंबर है, जो पिछला लेक्चर है हमारा, अगर आप देखेंगे उसमें हमने शुरू में बात की है। तो आज मैंने जो जुमले बोले हैं, जो वो जुमले लिखवाए हैं, अभी बोर्ड में आ चुके हैं। उम्मीद है आप भी समझ आ गया होगा, इसको जो है वो हमारे दोस्त वो अलग कर दिया है।
जो कीजिएगा उसमें सवाल बात है। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो मुहावरात पर होगा। मुहावरात का सवाल अगला नंबर आता है वो बताता है नेक्स्ट वाली बात उसको। अभी लेक्चर जैसे ही